तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। ड्रीम गर्ल 2 मूवी आई है, आज रिलीज हो गई है, उसका रिव्यू देने वाला हूँ। मूवी एवरेज है, ये मत कहना कि बिना मन के रिव्यू दे रहा है भाई, जब मन नहीं है तो मत दीजिए। यही चीज़ मैं डायरेक्टर राज सांडिल्या से भी कहना चाहूँगा कि यार आपका मन ही नहीं था तो फिल्म बनानी ही नहीं थी आपको, क्या फ़ायदा ऊपरी मन से फिल्म बना दिया। दोस्तों ड्रीम गर्ल 1 का जो हाइव था अमेजिंग था, वो मूवी थी वाकई में जिसमें लॉजिक भरपूर सेट हो रहा था, कॉल पे आप किसी को भी चूतिया बनाए पड़े हो, लेकिन यार ड्रीम गर्ल 2 में कुछ ना कुछ मिसिंग लगा, जो बात ड्रीम गर्ल 1 में थी जिसमें हंसा हंसा के लोगों को मार डाला था। हालांकि कॉमेडी इसमें भी भरपूर है क्योंकि आफ्टरऑल जो कास्ट है सेम है फर्स्ट पार्ट की तरह, वही सेम कास्ट इसमें भी है, तो पंचेस वगैरह की कोई कमी नहीं है। लेकिन आयुष्मान को इतना ज़्यादा लड़की दिखाना, क्योंकि बने वो हैं ही लड़की, लेकिन ज़बरदस्ती की कोशिश करी गई है आयुष्मान को लड़की दिखाने के लिए, और वो भी कोई छोटी मोटी नहीं बला की खूबसूरती दिखाने की कोशिश करी है, ऐसी कि दुनिया हिला दी है उसने अपनी खूबसूरती से, इतना पगला गए हैं लोग उसके पीछे उसके लिए। तो ये चीज़ बहुत बड़ा ड्रॉबैक है मूवी के लिए मेरी नज़र में, क्योंकि एक लड़का लड़की बना के कितना ही खूबसूरत दिख जाएगा बाबा, और उसके बाद आप ऐसा हाइप सेट कर रहे हो कि इससे ज़्यादा कोई सुंदर है ही नहीं, इवन शादी करने तक की नौबत आ जा रही है पूरी मूवी में, बॉयफ्रेंड नहीं बॉयफ्रेंड्स हैं इनके पास, ये चीज़ पल्ले नहीं पड़ी इस बार इस मूवी से, क्योंकि लॉजिक बिल्कुल सेट नहीं बैठा, ऐसा पागलपन का क्रेज़ नहीं आना था मूवी इस कैरेक्टर को लेके, तो कहीं ना कहीं ये ओवर पार्ट लगा, स्टोरी का एक पिटफॉल पार्ट लगा। दूसरा, कहानी में बिल्कुल दम नहीं है, जैसी स्टोरी लाइन फर्स्ट पार्ट की थी वैसी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट का कंटेंट कनेक्ट करता है लोगों को और सेकंड पार्ट में उतना दम नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है कि मैं शुरू से निगेटिव पॉइंट्स बता रहा हूँ तो मूवी कतई बेकार है, बिल्कुल बेकार नहीं है, मैंने बस कंपेयर किया फर्स्ट पार्ट से जो मुझे कहीं ना कहीं कमी लगी, बाकी मूवी ओवरऑल एवरेज है। आयुष्मान खुराना ने एक्टिंग के दम से फाड़ के रख दिया है फिर से भाई साहब, बिल्कुल अगेन बाजा फाड़ दिया है भैया जी, पूरी मूवी में एक तरफा ले गया ये बंदा। एक बार के लिए कहूँगा कि हाँ मूवी को अपने कंधे पर आगे ले जाने की कोशिश भरपूर तरीके से की है। दूसरा, जो सपोर्टिंग कास्ट है उसका भी कोई जवाब नहीं है, दिग्गज नामी एक्टर्स हैं परेश रावल जी, अनु मलिक जी, विजय राज जी, तीनों ने जो आग लगाई है, भर भर के कॉमेडी देखने को मिलेगी मूवी में, पंचेस बहुत सॉलिड सॉलिड देखने को मिलेंगे, कई जगह थोड़ा ओवर भी लगेगा, बाकी कॉमिक टाइमिंग भी अच्छी है मूवी में। सबसे ज़्यादा वो वाला दमदार लगा पार्ट जब परेश रावल कहते हैं कि लाए थे शिल्पा शेट्टी लेकिन निकली सुनील शेट्टी, और एक वो मैं तो सनी देओल समझता था पर निकला सनी लियोनी, एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, ये वाला तो खैर ट्रेलर में भी है, सॉलिड है, लेकिन पंचेस बहुत सॉलिड है, डिलीवरी बहुत ही अच्छी दी गई है, कॉमिक टाइमिंग बड़ी प्यारी दिखाई गई है परेश रावल के द्वारा और हमारे अनु मलिक जी के द्वारा और विजय राज जी के द्वारा, क्योंकि ये तीनों मजे हुए एक्टर्स हैं। बाकी लॉजिक और दिमाग लेकर मत जाना अगर जाओगे तो, क्योंकि मूवी बनाई गई है सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से, तो वो आपको कहीं ना कहीं मिस होगा, तो वो आपको मिल जाएगा, एंटरटेनमेंट मिल जाएगा लेकिन लॉजिक मिस होगा। लेकिन आपने दिमाग लगा लिया और लॉजिक ढूंढने लगे, यार कैसे हो गया ये सब कुछ, एक लड़की नुमा आदमी के पीछे इतने लोग कैसे पागल हो सकते हैं, तो ये चीज़ छोड़कर जाना घर में ही, बल्कि जो भगदड़ होगी, जो भागदौड़ होगी इस मोमेंट के पीछे, उसका मजा लेना, बहुत मजा आएगा, हंसते हंसते आपका पेट दर्द हो जाएगा एक बार के लिए विदाउट लॉजिक, दिमाग ना लगाया तब। तो आफ्टरऑल मूवी दमदार है, एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है, मैं दूंगा 5 में से 3 स्टार मूवी को, आप जाएं मूवी देखें और मजे लें, क्योंकि आयुष्मान खुराना आपको निराश नहीं होने देंगे, ये बंदा एक्टिंग में फाड़ के रख देगा। तो मैंने बहुत बोली, अब आपकी बारी, अगर आप लोगों ने भी ड्रीम गर्ल फर्स्ट पार्ट देखा है तो अब वो आपको कैसा लगा था, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना, और अगर ड्रीम गर्ल 2 को भी आपने अभी तक देख लिया है, आपको मूवी कैसी लगी और दोनों में से बेहतर मूवी कौन सी लगी, अगर दोनों देख ली हैं तब फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।